मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार? ये है आपका चरित्र? ये है आपकी सोच? ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ? ये करना में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ।